नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे बेहतरीन शेयर जिसको आप किसी भी प्राइस लेवल पे बाय करके भूल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। तो ऐसे ही स्टॉक्स हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो बाय एंड फॉरगेट टाइप के स्टॉक्स है और काफी बेहतरीन रिटर्न देगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। देखिए, इसमें जो सबसे पहला स्टॉक है हमारा वो है रिलायंस इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और बात करें तो ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, जब भी मूव दिया है तो काफी बड़ा मूव दिया है इस स्टॉक्स ने। लेकिन यहाँ पर देखिए 2008 में जो गिरावट हुआ था उसके बाद ये जो स्टॉक्स मूव किया तो फिर 2016 के बाद मूव किया, तो इस तरह से देखते हैं काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन भी होता है। लेकिन ये स्टॉक्स एवरग्रीन स्टॉक्स है जिसको किसी भी गिरावट पे अगर आप बाय करते निश्चित रूप से आप काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रहे होते। देखिए यहाँ पर 2009 की गिरावट में बात करें या 2020 की गिरावट में बात करें तो हमेशा इस स्टॉक्स ने एक काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। या किसी भी हाई पे बाय करते तो लेकिन लंबे समय तक आपको वेट करना होता, लेकिन निश्चित रूप से आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देता। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के चार्ट को देख रहे हैं जिसके लिए हमने मंथली चार्ट को अप्लाई किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2001 और 2002 इसके आसपास जो प्राइस था मात्र 50 रुपीज था और वहां से ये स्टॉक देख सकते हैं लगभग 2450 पर अभी चल रहा है, तो काफी बेहतरीन रिटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए। उसी तरह से जो दूसरा स्टॉक है इस कैटेगरी में वो है एशियन पेंट, काफी बेहतरीन स्टॉक्स, किसी भी गिरावट में किसी भी लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसको इसने बहुत ही जल्द ब्रेक नहीं किया हो, तो ये स्टॉक्स है जिसको आप बाय कर सकते हैं किसी भी गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए। फिर तीसरा जो स्टॉक्स है वो है पिडलाइट इंडस्ट्री, फेविकॉल बनाने वाली काफी जबरदस्त कंपनी। जैसे कि एशियन पेंट पेंट सेक्टर में मोनोपोली रखता है, उसी तरह से एडहेसिव सेक्टर में जो है पिडलाइट अपना मोनोपोली रखता है। तो इस स्टॉक को भी आप किसी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए इसका बिजनेस जो है हम सभी जानते हैं, साथ ही साथ चार्ट पे देखिएगा तो चार्ट काफी सॉलिड है लॉन्ग टर्म का चार्ट। देखिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जो है वो आपको देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल इस स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है। तो जो गिरावट होता है कोई भी बड़ी गिरावट बड़ा करेक्शन उसमें आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर है रिलैक्सो फुटवेयर, फुटवेयर सेक्टर की लीडिंग कंपनी, काफी बेहतरीन स्टॉक्स। देखिए किसी भी गिरावट में आप बाय करते लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, तो ये भी स्टॉक्स काफी जबरदस्त है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आईटी सेक्टर से टीसीएस। देखिए आईटी सेक्टर में थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है वो अनस्टेबल होता है, हो सकता है कि ये स्टॉक्स आने वाले समय में परफॉर्म ना करे, लेकिन इतना है कि आपको कोई बड़ा लॉस इसमें होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि आईटी सेक्टर की काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और साथ ही साथ बेहतरीन ग्रुप की कंपनी है, जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, तो काफी बेहतरीन कंपनी है, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हैं। उसके बाद है डीमार्ट, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स। देखिए रिटेल बिजनेस है कंपनी का, काफी बेहतरीन कारोबार है और ये स्टॉक्स किसी भी गिरावट पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिर है टाइटन, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है, देखिए लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, किसी भी गिरावट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी प्राइस लेवल पे आप इसको बाय किए होते हैं तो निश्चित रूप से अभी लॉन्ग टर्म में आपका काफी जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न होता। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है एचडीएफसी लाइफ, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है क्योंकि आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, इसको भी आप गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला है एचडीएफसी, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये एचडीएफसी ग्रुप की पैरेंट कंपनी है, साथ ही साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, काफी जबरदस्त कंपनी का बिजनेस है जो कि बिजनेस आने वाले समय में और धमाल मचा सकता है। उसके बाद अगला है लाल पैथलैब, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसकी लीडिंग कंपनी है, तो ये भी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा एलोकेशन आप इसमें कम रखेंगे। उसके बाद है जुबिलेंट फूड, आने वाले समय में पिज्जे की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाला है, जो युवाओं का क्रेज है पिज्जा की ओर, जो फास्ट फूड की ओर, इसलिए जुबिलेंट फूड जो है भी काफी जबरदस्त स्टॉक होगा अपने पोर्टफोलियो में, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए आप जगह दे सकते हैं। अगर चार्ट की बात करें तो इस स्टॉक का भी चार्ट काफी जबरदस्त रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में 2015 से 2017 तक इस स्टॉक में गिरावट हुआ था, जहां ये स्टॉक 900 रुपए से गिर करके ये लगभग 400 पे आ गया था, मतलब 50% से ज्यादा का करेक्शन था। ये एक अपॉर्चुनिटी था क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड ये स्टॉक्स है, और देखिए यहाँ से 400 से स्टॉक्स अभी जो है 4000 से भी ऊपर जा चुका था,
तो काफी जबरदस्ती ये सारे के सारे स्टॉक्स है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं जब भी गिरावट में मिले। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।